मैं OIC जो इस्लामी मालिक की तंजीम है उनसे सिर्फ इतना कहता हूं, हशर के दिन तुमसे फलस्तीनी तो शायद ना पूछें, मर के खुदा को क्या जवाब दोगे, मेरे मुस्तफा को क्या जवाब दोगे, वो कलमे के नाम पर दुआए और आज वो उनको याद तो आता होगा कोई फारूक के आजम का टॉकर फिर फलस्तीन आए। और मैं ये बात दुख से कह रहा हूं, मुझे पता है हम ये बातें कर रहे हैं, ये पुराने लोग हैं, पुराने जेहन के लोग हैं, इन मौलवियों को किसी चीज का पता नहीं, जिसने जो बकवास करनी है करे। मैं बिल्कुल पुराने दौर का हूं, मेरी मजबूरी है 1400 साल पहले वाले नबी का उम्मती हूं, मैं कुछ बगैरत थोड़ा हूं कि पीछे ना देखू, मेरा तो आगाज ही उससे मुहम्मद है, अगर आपका भी यही है तो बोले। हमें कहते हैं जी ये पिछले दौर की बातें ना करें, नहीं और नहीं, हम पिछले दौर से कट जाए तो नबी बनते हैं, पिछले दौर से जुड़ जाए तो नबी बनते हैं। इस दौर के तकाजे और लानत इस सोच पर। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस दौर को किसी की जरूरत होती तो रब दूसरा नबी भेज देता, रब ने नबी भी दूसरा नहीं भेजा, किताब भी दूसरी नहीं भेजी, मतलब क्या है, हर दौर कुरान का दौर है, हर दौर मेरे मोहम्मद का दौर है। मुसलमानों की सबों में यह बेईमानी नहीं चलेगी, कल भी मोहम्मद का, आज भी मोहम्मद का, आने वाला कल भी मोहम्मद का, कल भी किताब कुरान था, आज भी कुरान, कल भी कुरान, और कुरान का फैसला ये है कि अल्लाह रसूल पर पक्का यकीन करके डट जाना तुम्हारा काम है, शहादत में भी फतह तुम्हारी है, गाजी होने में भी फतह तुम्हारी है। शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन। अब हमारा रवैया ही और हो गया है, हमारे गलत नजरिए हो गए हैं। और मैं उम्मत मुस्लिम, मैं गैरों से नहीं कह रहा, मैं उम्मत मुस्लिम, तुम्हें तुम्हारे कलमे का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता, मरो के अरब से लेकर अजम तक सारे हुक्मरानों जयदादें इधर